हाँ तो भैया, आज के टाइम में विभिन्न नर मादाओं को ये आस रहती है कि काश हम मरने के बाद भी जिंदा हो पाते हैं। वैसे आज की टेक्निक इतनी ज़्यादा तेज नहीं है कि वो किसी मरे हुए व्यक्ति के बॉडी में प्राण फूंक दे, पर भैया भविष्य का कुछ कहा भी नहीं जाता। एक टेक्निक जिसका नाम है क्रायोनिक्स, जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि हम आज मरे हुए बॉडीज को भविष्य में जिंदा कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वॉचिंग दानूप यूट्यूब चैनल। तो अपने जीवन का असली आनंद लेने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाएं। अब थोड़ा क्रायोनिक्स को भी समझते हैं। तो क्रायोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी मरे हुए बंदे को भविष्य में दोबारा से जिंदा करने की आस जताई जाती है या फिर संभावना की जाती है। नहीं मतलब अपने इस दुनिया में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आप जाकर, कुछ क्या तीन ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आप जाकर अपने बॉडी को मरने के बाद हिमीकृत यानी कि फ्रीज करने का ऑर्डर दे सकते हो, और उसके बाद जैसे ही आपकी मौत होगी उस कंपनी के लोग भागे दौड़े आपके घर चले आएंगे और आपकी लाश को वैसे ही उठा के ले जाएंगे बर्फ के पैकेट्स में डालकर, और उनकी कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी इसको अपने सेंटर तक पहुंचा दिया जाए और वहां पर जाकर वो बहुत ही जल्दी से आपकी बॉडी को जमा देंगे ताकि बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की कमी से टूट ना जाए। अब इन कंपनीज का मानना है साइंस के अकॉर्डिंग कि मरने के बाद शरीर में जो दिमाग होता है उस दिमाग में कुछ एक्टिविटीज चलती रह जाती हैं जिनको अगर एंड तक खत्म ना होने दिया जाए तो इंसान को कभी भी जिंदा किया जा सकता है। और जैसे ही बॉडी को ये अपने संस्थान में ले जाते हैं, वहां पर जाते ही सबसे पहले बॉडी का सारा खून निकाल लिया जाता है, उसके बाद बॉडी में एक केमिकल भर दिया जाता है जिसको क्रायोप्रोटेक्टेंट कहा जाता है, और इस केमिकल के बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी में जो बर्फ होता है वो नहीं जमता, मतलब बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो नहीं जमते हैं और जो कोशिका की दीवार होती है वो भी नहीं टूटती, जिसके वजह से इस बॉडी को 100% प्रोटेक्शन मिल जाती है अगर बाहर से इसको नाइट्रोजन मिलता रहे तो। अब जब बॉडी पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गई है तो बॉडी को एक एलिवेटर टाइप में रख देते हैं, एलिवेटर टाइप या ड्राम टाइप या फिर आप शयन कक्ष बोल सकते हो, कुछ भी ऐसा बोल सकते हो जो बाहर से सील्ड होता है, अंदर उसमें बॉडी रखी जाती है। अब उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन छोड़ा जाता है और उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, जिसके वजह से बॉडी को अनंत काल तक संभाल के रखा जा सकता है, जब तक चाहो मतलब सदियों सदियों तक। और जो लोग इस तरह से अपनी बॉडी को संरक्षित कराते हैं उनका यह मानना होता है कि भविष्य में हो सकता है 100 सालों बाद या फिर मे बी 1000 सालों बाद कोई ना कोई ऐसी टेक्निक जरूर आएगी जिसके मदद से उनकी लाशें दोबारा से जिंदा हो जाएंगी और उनको एक नया जीवन मिल जाएगा पृथ्वी पर जीने के लिए या फिर किसी और ग्रह पर जीने के लिए। और ऐसे में अगर आप भी अपनी बॉडी को संरक्षित कराना चाहते हो तो आप मात्र 2 करोड़ रुपए देकर, मतलब सिर्फ 2 करोड़ बता रहे हैं, बताओ 2 करोड़ रुपए देकर, साथ में आप जब तक अपनी बॉडी को रखना चाह रहे हो तब तक जितना नाइट्रोजन खर्च होगा उस नाइट्रोजन का भी पेमेंट आपको एडवांस में करना होगा। मतलब अगर एक हिसाब से बताएं तो ये 200 करोड़ के पार हो जाएगा। आप कितने टाइम तक अपने बॉडी को रखना चाहते हो? वैसे आज के टाइम में पूरी दुनिया भर में किसी जिंदा इंसान के ऊपर ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर कांड करना अनिवार्य नहीं है। जब कोई इंसान पूरी तरीके से मर गया हो तभी उसके बॉडी को संरक्षित किया जा सकता है, और वो भी किसी बीमारी के वजह से मरा हो, खुदकुशी ना किया हो ऐसा करने के लिए। वैसे आज के टाइम में पूरे दुनिया भर में सिर्फ 3 कंपनियां ऐसी हैं जो ऐसा करने का ठेका लेती हैं, जिनमें से पहली है क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट और दूसरी है अलकार फाउंडेशन एंड तीसरी और लास्ट है क्रायोरस। अब पता नहीं इनके मालिकों के दिमाग में कहां से ये थॉट आ गया कि हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर क्या सोच के इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया वो मेरे को नहीं पता, पर सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और हो सकता है कि हमारी मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर भी ले आगे चल के, तो अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा कदम हो जाएगा। और आज के टाइम में ये कंपनियां इस बात की कोई भी गारंटी नहीं लेती हैं कि फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्निक आएगी ही आएगी। अगर आपको करवाना है तो आप करवाओ, नहीं करवाना है तो वो आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। पर फिर भी 500 लोगों ने अपनी बॉडी संरक्षित करवा ली है और करीब 3500 लोग लाइन में लगे हुए हैं, मतलब कि पेमेंट पूरी कर दी है, जैसे ही वो लोग निपटेंगे उनको ले लिया जाएगा, भर्ती कर लिया जाएगा या फिर कह दिया कि लाशों को उनके भर दिया जाएगा। ओके गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और हाँ, आई थिंक थोड़ी यूनिक वीडियो थी, तो 1 लाइक तो बनता है। ओके गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।